अल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड ऑल माइटी। माई नेम इज़ उमर सजावल, माई फादर नेम इज़ उमर फारूक। आई रीड इन क्लास 9 इन फारबी स्कूल सिस्टम। टुडे आवर टॉपिक इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो वट इज़ डिस्प्लेसमेंट, वट इज़ डिस्टेंस? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर हम एक पॉइंट से दूसरी जगह जाते हैं तो जिस रास्ते को हमने फॉलो किया है, जिस पाथ को हमने फॉलो किया है, तो इस पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। इसके बाद है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब ये कि दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है और साथ में इसमें हमारे साथ डायरेक्शन भी होती है। अब लेट सपोज़ इसको हम एक डायग्राम के ज़रिए हल करते हैं। तो ये एक पाथ है, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ को मैं डॉटेड लाइन के ज़रिए शो करता हूँ। तो ये जो है ये इसकी लेंथ है ए से लेकर बी तक, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला होता है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो डेट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमारे साथ मैग्नीट्यूड होती है और इसके साथ कोई ना कोई डिस्टेंस भी होती है।